28 जून 2022 वो दिन जिसने पूरे देश को हिला दिया था, क्योंकि यहां नृशंस हत्याकांड हुआ था। झीलों की नगरी उदयपुर में कन्हैयालाल टेलर की गला काटकर हत्या कर दी गई थी। दो लोगों ने दुकान में घुसकर उसका गला काट दिया था, जिसके बाद वे मोटरसाइकिल से फरार हो गए थे। शक्ति सिंह और प्रहलाद, ये दो लोगों ने पुलिस द्वारा प्रसारित सूचना के आधार पर उन दो अपराधियों की पहचान की और उनका पीछा किया और राजसमंद में उन्हें पकड़ने में पुलिस की मदद की। वहीं अब विपक्ष सरकार को घेरने में लगा हुआ है। राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता राजेंद्र राठौड़ ने सीएम अशोक गहलोत पर उन दो लोगों को सुरक्षा प्रदान कराने का अपना वादा पूरा नहीं करने का आरोप लगाया है, जिन्होंने पिछले साल उदयपुर दर्जी हत्याकांड के अपराधियों को पकड़ने में पुलिस की मदद की थी और इनको कहा कि आपको सुरक्षा भी देंगे, नौकरी भी देंगे और आपको लाइसेंस का हथियार मिले, इसकी व्यवस्था भी करेंगे। वो बात जब लंबा समय बीत गया, इन्होंने प्रभारी मंत्री वहां के उदयलाल अंजाना से संपर्क किया। उदयलाल जी ने कहा कि जब कभी आपके साथ कोई घटना हो जाएगी उसके बाद आपकी सुरक्षा की बात करेंगे। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आतंकवादी जो वहां आसीद के रहने वाले थे, जब गिरफ्तार हुए उसके बाद उनके घरों की सुरक्षा के लिए सुरक्षाकर्मी तैनात कर दिए गए, परंतु इन पर किसी प्रकार की इनकी सुरक्षा की व्यवस्था नहीं की गई। इन्हें लगातार यह आशंका रहती है, स्थानीय पुलिस ने इनको कह रखा है कि आप बाहर नहीं जाओगे, यात्रा करोगे तो पुलिस को सूचना करेंगे देंगे। और आज ये नौकरी खोए हुए दोनों नौजवान, जिनको मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि नौकरी भी मिलेगी, ये अपनी व्यथा को लेकर जब हमारे पास आए, इस सरकार के चलते सांप्रदायिकता के आधार पर वोट की फसल काटने का जो सिलसिला है वो थमने का नाम ही नहीं ले रहा। वहीं राजसमंद से सांसद दिया कुमारी के साथ शुक्रवार को एक संवाददाता सम्मेलन किया, जिसमें पिछले साल उदयपुर में हुई कन्हैयालाल की हत्या के दो आरोपी मोहम्मद रियाज और गौस मोहम्मद को पकड़वाने में अहम भूमिका निभाने वाले दो युवकों शक्ति सिंह और प्रहलाद सिंह भी मौजूद रहे। बीजेपी नेता ने कहा कि प्रहलाद सिंह और शक्ति सिंह को एक साल पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सुरक्षा मुहैया कराने का वादा किया था, लेकिन एक साल बीत जाने के बाद भी उन्हें सुरक्षा नहीं मिली। उन्होंने कहा कि ये दोनों युवक गुजरात के सूरत में नौकरी करते थे, लेकिन इस घटना के बाद उन्हें सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए नौकरी से निकाल दिया गया। दिया कुमारी ने गहलोत सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि आतंकियों को पकड़वाने में मदद करने वाले युवकों को सम्मानित करने वाले लोग ही अब उनका साथ नहीं दे रहे, जिसके चलते दोनों युवक बेरोजगार होकर सुरक्षा की गुहार लगाते भटक रहे हैं। हालत राजस्थान की इतनी ज्यादा बिगड़ चुकी है कि मैं तो ऐसा समय किसी ने इससे पहले कभी नहीं देखा था। सरेआम लोगों को मारा जा रहा है, उसकी रिकॉर्डिंग की जा रही है और उसके बावजूद भी उन लोगों पे एक्शन नहीं लिया जा रहा, और जो लोग सहयोग करते हैं सरकार का या पुलिस का उनको सिक्योरिटी नहीं दी जा रही। राठौड़ ने मुफ्त स्मार्टफोन योजना को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा और फोन खरीदने की निविदा प्रक्रिया पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि एक ये बड़ा घोटाला साबित होगा। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि महंगाई राहत शिविरों का राजनीतिकरण किया जा रहा है।